कोई जिंदाबाद रहे या मुर्दाबाद रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सीट एनडीए हार जाएगी। अब कितनी बार खिला करवाएंगे? और देखिए, बताशे के चक्कर में मंदिर तोड़ने वाले नहीं है। बिहार में एमएलसी के 24 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। एक सीट पशुपति कुमार पारस को दिया गया है, लेकिन मांझी और वीआईपी को एक भी सीट नहीं दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद दानिश रिजवान जी हैं, जो जीतनराम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि सर क्या आप सहमत हैं। देखिए, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि एनडीए की बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, उसके उपरांत सीटों का अगर घोषणा होता तो सही होता। हमने अपनी दो सीटें मांगी थी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को गया और सीतामढ़ी की सीट दी जाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व के द्वारा बताया गया कि चूंकि ये चुनाव की तैयारी 6 महीने पहले से होती है और हमारे कैंडिडेट्स ने तैयारी करी हुई है, अगर आपको हम देते भी हैं तो ये सीट एनडीए हार जाएगी, इसलिए हम आपको ये सीट नहीं दे पा रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के पूर्व माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का भी फोन आया था। उन्होंने आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में निमंत्रित किया। चूंकि वो गया में थे तो माननीय मंत्री संतोष मांझी जी को बुलाया गया, वो भी बाहर थे, इसलिए हम लोगों ने कह दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, चूंकि हमारे नेता नहीं है तो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई नाराजगी नहीं? देखिए, सीट का बंटवारा हो गया, अब इसमें नाराजगी क्या बात है? और देखिए, बताशे के चक्कर में हम मंदिर तोड़ने वाले नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए मजबूत है। ऐसा नहीं है कि हम आपस में लड़ जाएं तो और फिर से वही 15 साल की जंगल राज वाली सरकार आ जाए, हम ये कतई नहीं चाहते हैं। सनी कह रहे हैं कि हम मंदिर टूटे या घर टूटे हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा ये मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है उनकी पार्टी का स्टैंड होगा। हमारे यहाँ चीज़ें बहुत स्पष्ट है। बिहार की जनता ने 2020 में मैंडेट दिया है जंगल राज के खिलाफ, सुशासन की सरकार बनाई है, तो हम जनता के विश्वास को नहीं तोड़ सकते हैं। जनता ने काम करने के लिए हमें वोट दिया, काम करने के लिए सरकार बनाई है, तो हम अपने चक्कर में जनता के ख्वाब को नहीं तोड़ सकते हैं। सनी तो ये भी कह रहे हैं कि हम मोदी मुर्दाबाद के लिए भी तैयार हैं, ये भी नारा लगाने के लिए राजी हैं हम। देखिए, कोई जिंदाबाद रहे या मुर्दाबाद रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता लोकतंत्र में जिंदाबाद रहे हम ये चाहते हैं, और जनता ने जिंदाबाद करते हुए हमें चुना है तो हमारी जवाबदेही बनती है कि सरकार को 5 साल चलाएं। कि हम सरकार को जो है समर्थन देते रहे, हम सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ है। सरकार 2025 तक चलेगी पूरी तरीके से, मुस्तैदी के साथ ये सरकार चलेगी। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि खेला हो सकता है। खेला तो उनके साथ जनता ने 2020 में कर दिया है, अब कितनी बार खेला करवाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं है। ये थे हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान जी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में सरकार 2025 तक चलेगी, सीट बंटवारे को लेकर कोई भी किंतु परंतु की बात नहीं है। कैमरामैन बाबर अली के साथ मैं अजय दीप चौहान, ट्रेंडिंग बिहार, पटना।